आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में धूमावती माई की नगरी धूमा में यहाँ आप देख सकते हैं काली माता यहाँ विसर्जन के लिए जा रही हैं। कितनी विशालकाय प्रतिमा, एक दुर्घटना यहाँ घटी और इस दुर्घटना के चलते धूमा महाकाली चल समारोह में बिजली का करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी जिले की लखनादौन तहसील के अंतर्गत आने वाले धूमा, जो लखनादौन और जबलपुर के मध्य एक बड़ा कस्बा है, में माता महाकाली के चल समारोह के दौरान हाई टेंशन बिजली के तारों की चपेट में आने से 3 लोगों कालकल्पित हो गए, 5 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार धूमा मुख्यालय में 21 फीट ऊंची माता महाकाली की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना था, जिसको लेकर जुलूस निकाला जा रहा था और माता महाकाली की प्रतिमा को शहर भ्रमण कराया जा रहा था। इसी दौरान माता महाकाली के रथ को स्टेडियम के ले जाते समय रथ हाई टेंशन तारों के संपर्क में आ गया और रथ को ला रहे कुछ युवक हाई टेंशन बिजली का करंट लगने से घायल हो गए। गंभीर रूप से कुछ युवक झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना की जानकारी पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी गई। इसके बाद घायलों को सिविल अस्पताल लखनादौन ले जाया गया। लखनादौन सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जिसमें 5 लोगों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, शव परीक्षण के लिए भेजा गया। लखनादौन के एसडीओपी अपूर्व भलावी के अनुसार कुछ युवक काली जी के रथ को ले जा रहे थे, रथ हाई टेंशन बिजली के तारों के करीब आ गया और कुछ युवक करंट से झुलस गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। शीतला माई महाकाली महोत्सव समिति ने दशहरा को लेकर कलाकारों को आमंत्रित किया था। धूमा में माता महाकाली का दशहरा देखने दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसमें मृतकों के नाम नीलेश कुशवाहा, पिता राजेश कुशवाहा, आयु 20 वर्ष, धूमा निवासी, रवि विश्वकर्मा, पिता मुन्नालाल विश्वकर्मा, आयु 30 साल, निवासी टंकी मोहल्ला धूमा। और तीसरे मृतक हैं मुकेश यादव, पिता मुन्ना यादव, उम्र 26 साल, ये भी धूमा के निवासी हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। घायलों के नाम निखिल, पिता नेत्रराम शिवहरे, आयु 20 साल, धूमा। मोनू रजक, पिता निरंजन रजक, आयु 26 वर्ष, धूमा। अज्जू विश्वकर्मा, पिता रमेश विश्वकर्मा, आयु 35 वर्ष, निवासी टंकी मोहल्ला धूमा। सागर, पिता संतोष ठाकुर, आयु 16 वर्ष, घोघरी। बलराम यादव, पिता भीकम यादव, 14 साल, घोघरी कला। ये इसमें घायल 5 घायल हैं। पुलिस अधीक्षक आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। चिकित्सक का क्या कहना है अब हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पर लखनादौन सिविल अस्पताल के चिकित्सक क्या कहते हैं। घटना जो हुई है, ये घटना क्या असर है, उसमें कितने लोग अभी तक खत्म हो चुके हैं, मृत हुए हैं? और जो है लगभग 8 लोगों को करंट लगा था, इसमें से 5 लोग की अभी हालत थोड़ी ठीक है और 3 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। सर रेफर भी कर किए जा रहे हैं। हाँ, दो बच्चे थोड़े से मतलब सावधानी की दृष्टि से उन्हें बर्न यूनिट को रेफर किया जा रहा है, बाकी उनकी हालत अच्छी है। तो ये थे लखनादौन के चिकित्सक, जिनके द्वारा आपको जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं और उनके द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दीगर इंतजाम किस तरह से होंगे, किस तरह किए जाएं, ये भी उनके द्वारा कमान संभाल ली गई है। वहीं जनसंपर्क के द्वारा जानकारी दी गई कि जिला सिवनी की तहसील लखनादौन के धूमा में स्टेडियम के बाजू के ग्राउंड में काली जी की प्रतिमा ले जाने वाली ट्राली काली जी की यात्रा
के निकलने के लगभग 2 घंटे पूर्व खाली ट्राले में लगे पाइप जो लगभग 15-16 फीट थे 11 केवी लाइन के नीचे आ जाने से करंट के लगने की घटना हुई, जिसमें अभी हमने आपको बताया मृतक और इन सभी के बारे में बताया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं और घायलों को जिला रेड क्रॉस के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये उपचार सहायता उनके द्वारा जारी की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में ट्रैक्टर ट्राली के हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से 3 लोगों की करंट लगने से असमयक मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री के एक्स पोस्ट पर आगे लिखा है, मुख्यमंत्री सुचेतनान से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।